वेलकम बैक टू जागो लाहौर इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रखें और खुश रहने के लिए स्ट्रेस टेंशन इन सबको दूर भगाएं कैसे, योगा के जरिए। ये आज हमें बताएंगी सलाफे नकवी। वेलकम टू द शो सलाफे, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। सलाफे, आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है और खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इसके लिए स्ट्रेस और ख़ुद को रिलैक्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आप हमें क्या बताएंगे? आज कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ प्रेशर पॉइंट होंगे, इवन वेट रिडक्शन का एक नया प्रेशर पॉइंट होगा, लेकिन उसके हवाले से हम कुछ थोड़ी बहुत टिप्स होंगी जो देना चाहेंगे, जो हम पहले भी एक बात कर चुके थे, जिसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। अगर आप शुक्र गुजार रहें अपनी ब्लेसिंग्स पर तो आप खुश रहते हैं। और जो एक टिप हम हमेशा देते होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको एंजाइटी और जो टेंशन दे रही होती हैं, तो उसे कैंसिल 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 3 times। खुशियाँ आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं, कई दफ़ा वो आपको ऐसे नहीं मिल रही होती। सो अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं जो हम अभी बताएंगे। पहला जो प्रेशर पॉइंट होगा, जब आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा हो, तो आपकी पिंकी फिंगर से नीचे बिल्कुल जो आपकी रिस्ट में जो एक सॉफ्टर एरिया होता है, यहाँ पर इसको अगर आप प्रेस करते हो अपने थंब से, कुछ देर कर प्रेस करके रखो, ये होगा 30 seconds के लिए आपने इसको प्रेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, जिस तरह हम बाकी प्रेशर पॉइंट्स पर काम करते हैं। 2-3 times आप इसको करो दिन में, आप फील करोगे कि जो आपको बहुत ज़्यादा पेल्पिटेशन, कई दफ़ा एंजाइटी से यही ज़्यादा शुरू हो जाता है कि आपकी हार्ट बीट जो है कई दफ़ा स्किप हो रही है, पेल्पिटेशन हो रही है, तो वो चीज़ आपको थोड़े से वो कंट्रोल में आना शुरू होगी। अब जो नया प्रेशर पॉइंट जो हम बताते हैं, जो आपकी हंगर को रोके, जो आपकी भूख को थोड़ा सा कंट्रोल में करे, आपकी नर्व से नीचे जो हमारा ये एरिया लिप से ऊपर जो बना होता है, उसको आप प्रेस करते हो, अगर प्रेस करके रखो 30 seconds के लिए, और उसके बाद उसको छोड़ दे, रिलीज, फिर 30 seconds, फिर सेम इसी तरह 2-3 times आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखें, तो आपको फील होगा कि जो आपकी भूख है, जिसे हम एपेटाइट बोलते हैं, वो कंट्रोल में आना ठीक हो गया। चलिए सलाफे तो हमें टिप्स बता रही है, साथ साथ में अनाउंस करती चलूँ कि हम लाइव कॉल्स भी लेंगे आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के हवाले से। अगर आप खुश हैं तो हमारे साथ अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं, अगर आप उदास हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आपने खुश कैसे होना है। तो हमारा नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जी सलाफे, वहां चलते हैं, जी जरूर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। और अब इसमें यह होता है कि जितनी भी चीजें जो आपको रिलैक्स, आप चाहते हो कि आपको रिलैक्स करें, तो उसमें नंबर 1 आपकी स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी चीज आपकी रोटेशन बहुत काम आएगी, वो चीज आपको जो रिलैक्स करे, रोटेशन से होता है आप रिलैक्स होते हो। अब जब आपको स्ट्रेस हो या वैसे भी आप चाहते हो कि आपका जो एंडोर्फिन है वो रिलीज हो, आपको नंबर 1 जो चीज करनी होगी वो क्या होगी, इस एरिया पर फोकस करना होगा। उसमें क्या होगा, सिंपल जो हम कहीं दफा स्ट्रेच के बाद ये चीज करते हैं, आपने यहां स्ट्रेच किया, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छा, ये सिंपल है बिल्कुल, पहला आपने इस चीज से शुरू किया, इनहेल एंड एक्सहेल, आपको फील होगा कि आपका जो ये एरिया है थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो गया है, जो कई दफा स्टिफ हो जाता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। इसके बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर आप थोड़े बहुत, जैसे कहते हैं, काम और रिलैक्समेंट की फीलिंग आ रही है। अब आपने क्या किया, जो हम बताते हैं श्रग्स, इसको शोल्डर श्रग्स कहते हैं, आपने अपने हाथ यहां रखे और सिर्फ मूव करे उसको अप एंड डाउन, साथ ही इनहेल एंड एक्सहेल रिलीज, इसको 12 times आप कंटिन्यूसली करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन वही चीज कि आपकी जो ये चीज स्टिफ हुई है वो आपकी सही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रोटेशन मैं बोल रही थी, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही कॉमन नेक की रोटेशन होती है, जो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। अगर सर्वाइकल का इशू है तो आप दीवार के साथ सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर थोड़ी देर के लिए 45 degrees का एंगल दे सकते हो, या थोड़ा सा ऊपर देखा, जहां आपके लिए कंफर्ट लेवल आपका हो वहां देखा, बस वहां अब अपने आपने अपनी, जिसे कहते हैं, गेज करना है आपने अपनी सीलिंग को या जो भी। उसके बाद या आप बिल्कुल नीचे देखोगे अगर आपके लिए आसान हो तो। दूसरा एक ये होता है कि साइड एंड साइड, ये चीज आप कर रहे हो। अब बात आती है दोबारा स्ट्रेचिंग की और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने क्या बताया था सलाफ, जो हमारा था कि ये होता है कि ये एरिया आपका जब स्टिफ होता है, जब आप रिलैक्स होना चाहते हो, जब आप एंजाइटी में होते हो या स्ट्रेस या डिप्रेशन हो, ठीक हो, उन लोगों को क्या बताएंगे? या अब यहाँ पर क्या होगा कि हम चूंकि हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, इसमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी जो आप बैठकर भी कर सकते हो, अगर आप खड़े होकर कर रहे हो तो उसमें होगा आप आंखें खोलकर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपने थोड़ा इनहेल किया, थोड़ा इनहेल करने के बाद होल्ड किया, होल्ड के बाद अब कंप्लीट इनहेल किया, एंड नाउ एक्सहेल कंप्लीटली। अब दोबारा से इस चीज को इनहेल, थोड़ी देर सांस रोकने के बाद कंप्लीट इनहेल, ये कितने टाइम्स करना है, एंड एक्सहेल
सेम तकरीबन 15 टाइम्स आप शुरू में करो या 10 टाइम्स शुरू में करेंगे और उसके बाद ये होगा कि आप 1 or 2 मिनट्स के लिए इसको कंप्लीट दोहराते रहोगे. जहां आपको फील हो कि ऑक्सीजन कम या ज्यादा हो रही है वहीं आप नॉर्मल ब्रीथ करना शुरू कर दोगे एंड एक्सहेल और उसके बाद दोबारा इस चीज को शुरू करोगे. अब आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस पर जो कि आपको किस तरह से वो आपका जो एंडोर्फिन है वो रिलीज करेंगी. इसमें यह होगा सिंपल, अगर आप बिगिनर भी हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो. आप इसी तरह फ्लोर पर आ गए. फ्लोर पर आने के बाद अपने हाथ आपने बिल्कुल जिस तरह हम प्लैंक पोजीशन में भी कई दफा हाई प्लैंक में रखते हैं, इसको रखने के बाद आपने क्या किया, हाथ को रेज करने की कोशिश करनी होगी आपको. इनहेल एंड एक्सहेल. एक्सहेल करते हैं आप यहां पर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे. अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ कोशिश करें इस पोजीशन में पहले इनहेल एक्सहेल करने के बाद या तो आप अपनी एल्बोज पर आ जाएंगे या यहां ही रहना होगा और एंड पर एक्सहेल. ये चीज होगी. उसके बाद जहां हम स्ट्रेच की बात कर रहे थे, स्ट्रेच में ये होता है कि आपको जैसे हम पिजन पोज में भी एक स्ट्रेच बताते हैं, अब सेम ये होगा. कई दफा जो लोग इंटेंस वर्कआउट भी करते हैं उसमें एक रोटेशन होती है जो आप अपनी लेग को इस तरह मूव कर रहे होते हैं. किस लिए होता है? एक तो ये होगा कि आपकी लेग्स भी रिड्यूस होंगी और दूसरा हम एंडोर्फिन की बात कर रहे हैं वो कैसे रिलीज होगी, स्ट्रेचिंग वगैरह से भी. अब आपने जैसे आपको लगा कि अभी स्टिफ हो रहा है क्योंकि मैं इतनी देर से रोटेशन कर रही हूँ, उसको रोटेट कर रही हूँ, आपने अब इस लेग को होल्ड किया. और अगर शुरू में बिगिनर्स के लिए बिल्कुल साथ लगाना मुश्किल होगा, सिर्फ आपने इसको कोशिश करना है. कुछ देर रखा इस पोजीशन में आपको इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन दूसरी तरफ भी आप इसी लेग को सेम इसी तरह ये करोगे. होगा ये कि आप उसको काउंट कर लें. कितनी टाइम्स करना है? अभी तकरीबन जब आप काउंट करोगे तो 10 टाइम्स काफी होगा. क्यों, हम रिडक्शन की तो बात कर रहे हैं लेकिन हम ज्यादा फोकस करेंगे रिलैक्सेशन की तरफ भी, तो वो स्टिफ ना हो, इसलिए हम इसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब आएगी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताते हैं कि उसको और ज्यादा मजीद आप आसान कैसे बना सकते हो. सेम वही चीज कि आपने अपने कंधों को उठाना होगा. ऐसे होगा आप अपने हाथ यहां रख लो या कोई भी मुद्रा बनाना चाहते वेट रिडक्शन का, जैसे भी. इनहेल, अब कंप्लीट अपने जितने भी आपके जो शोल्डर से ये उठ सकते हैं उतना ज्यादा आपने उसको उठाया. एंड एक्सहेल कंप्लीटली. इनहेल एंड एक्सहेल. होता ये कि जितनी भी एक्सरसाइजेस हम रिलैक्सेशन या हैप्पीनेस के लिए बात कर रहे होते हैं, आपको अपने हार्ट रीजन पर जरा ज्यादा फोकस करना होता है. अब वो लोग जो कहते हैं कि हम बैठना जरा थोड़ा सा आसान हमें नहीं लग रहा और कोई चीज ऐसी हो जो हम स्टैंडिंग पोजिशन में कर सकें, आपको ये करना होगा. ये सेल्फ केयर के लिए ये पोजीशन बताई जाती है कि आपने अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे रखा. और बिगिनर हैं तो थोड़ा मूव करेंगे बट दीवार के साथ आप कर सकते हो, सहारा थोड़ा बहुत लेंगे. होगा ये कि आपको यहां तक जाना है एंड ये हाथ यहां आना चाहिए एंड वाली पोजीशन में. अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए क्या पोजीशन होगी, आपने सिर्फ अपने हाथ यहां रखे, जहां तक मूव कर सकते हैं वहां तक किया. अदरवाइज असल में आपको कहां आना है, यहां इनहेल. और सलाफे ये आप किस लिए बता रही हैं? ये सेम वही चीज, एक तो आपके साथ ही साथ फैट रिडक्शन होती है क्योंकि आप मूव कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो और साथ ही साथ आप रिलैक्स और बहुत खुद को काम फील करते हो, जो कि आपका जैसे कहते हैं वर्क लोड हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है स्ट्रेस की और कई दफा बगैर कोई वजह के भी हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, तो कुछ भी हो सकता है. सलाफे हमें बता रही हैं कि किस तरह से आप योगा के जरिए खुश रह सकते हैं, स्ट्रेस को भगा सकते हैं और साथ साथ अपनी फैट रिडक्शन भी कर सकते हैं. जी सलाफे. सो नेक्स्ट जो होता है वॉरियर पोज, तो बहुत ही फेमस है. हमें होगा उस पोजिशन में आना होगा, आपका जो जो आपका बैक फुट है आपको बिल्कुल सीधा रखना है उसको, और उसके बाद सामने स्ट्रेट करने के बाद कोशिश करें कि इसको आप कम बेंड करें. क्यों, इसको आसन से हम कनेक्ट करेंगे. होगा ये कि तो आप सल्यूट कर लें, सल्यूट कर सकते हो, हाथ यहां रख सकते हैं या बिल्कुल आप जो वॉरियर पोज में रखते हैं. करना क्या होगा, आपने जब जैसे लेग को स्ट्रेट किया आपने किया इनहेल, थोड़ा सा आगे गए एक्सहेल. सलाफे बिगिनर्स के लिए टफ नहीं होगा? अब बिगिनर्स क्या करेंगे कि इसको लोअर लंज में ले जाएंगे. उसमें क्या होगा कि आप अपनी बिल्कुल जो अपनी एक लेग है वो आप नीचे ले जाओ. उसमें वो क्या करेंगे, सिर्फ इसी पोजीशन के अंदर आते हुए उन्होंने क्या करना है, यहां या उनके लिए क्या इजी होगा, हाथ अपना यहां पर रख लें या आप खुद ही होल्ड कर सकते हो यहां पर रखते हुए. सिर्फ ये होगा, मकसद ये कि स्ट्रेच भी हो जाएगी. इनहेल एंड एक्सहेल. अब अगर कहें कि इससे भी कोई आसान चीज हो कि जो हमें रिलैक्स करें और साथ हमारा वेट रिड्यूस करिए, क्योंकि कई दफा जो मैं बताती हूँ मेन इशू कई दफा होता है कि वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है. सो एक ब्रीदिंग है, आपने क्या किया इनहेल, जैसे इनहेल किया तो आपने अपने पूरे जो शोल्डर का जो आपका रीजन है उसको आपने पूरा स्ट्रेच आउट किया. एंड एक्सहेल. एक्सहेल करने के बाद तमाम टिप्स को आपने मिलाया
और अपनी चिन को है वो डाउन करना है। वो होगा इस तरह से, या आपको 10 टाइम्स करना होगा, इनहेल एंड एक्सहेल, ये आप 10 टाइम्स करोगे और खुद देखेंगे उसके बाद फील करेंगे कि आप रिलैक्स भी हो रहे हो और हाँ आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आप आ जाते हो जो स्टैंडर्ड हम कोबरा पोज कहते हैं, लेकिन कोबरा पोज को हम रिलैक्सेशन में और वेट रिडक्शन में किस तरह लेकर आएंगे, वो होगा कि आपने सेम इसी तरह कोबरा में गए, आप जब इनहेल किया एंड एक्सहेल, इसमें आप स्टे नहीं करेंगे कहीं भी किसी भी पोजिशन में, इनहेल 12 टाइम्स आपको ये करना है 3 सेट्स में, एक्सहेल अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। अब बात हो रही थी स्ट्रेच की, स्ट्रेच में जहां तक हम उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो फ्रंट लेग होगी वो थोड़ा सा बेंड कर लो, बिगिनर हैं तो वो नहीं करेंगे, बट कोशिश क्या होगी कि आपने इसको बेंड किया, जैसे ही आपने लेग को स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने के बाद क्या कोशिश करेंगे कि हम इसको या तो ऐसे ही रहने दें या इसको आप होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद टफ हो जाएगा, इनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब उसमें ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने इस पोजिशन में रहना है और इसमें इनहेल एक्सहेल करना है। अगर आप कर पा रहे हो उससे आगे आपकी स्ट्रेच डेवलप हो गई है, तो जो बिगिनर नहीं है उनके लिए ये होगा कि आपने यहां पर रहते हुए इनहेल एंड एक्सहेल ये चीज की, ये बहुत अहम चीज होगी उन लोगों के लिए। दूसरा जो हम शुरू में बता रहे थे कि जो हम जितने भी पोज है जिनको हम बिल्कुल खुद को एक तरह से मैं कहती हूँ ओन करने की फीलिंग आती है, ये सेल्फ केयर के लिए होते हैं। एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ हर टॉपिक में, मैंने एक चीज बताई, वो हमारा होता है स्पाइनल ट्विस्ट, जिसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी तो आप यंग रहते हैं, तो ये चीज आपके लिए बड़ी जरूरी होती है। तो स्पाइनल ट्विस्ट आप कैसा भी अपने लिए आसान कर सकते हैं, इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां हाथ रखा और बैक पे एंड इनहेल एंड एक्सहेल। और कई दफा होता है आप इतना स्ट्रेस में हो कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते, तो सिर्फ आपकी जो थर्ड आई होती है इसको प्रेस करना शुरू कर दें, यहां आपने इसको 30 सेकंड इसको प्रेस करना है, आपकी ये एंजाइटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, और आपको रिलैक्स करता है, क्योंकि इस वजह से भी कई दफा हमारा एक्सरसाइज करने को दिल ही नहीं करता। जब एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करा तो हम रिलैक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह फील हो तो पहली चीज तो टैपिंग हमेशा याद रखें, पहली चीज आप हमेशा टैप करोगे अपने कराटे चॉप पर। उसके बाद अगर आपका ये भी कई दफा मूव करने को दिल नहीं करता तो नहीं कर रहा, तो आपने सिर्फ ये चीज कर ली, बैठे कुछ देर आंखें बंद करके और खुद को बस रिलैक्स करने की कोशिश की, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस पर आ जाओ। आप बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको शौक होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, तो उसमें जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, वो आपने किया, उसमें राइट से आप सांस लेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर सांस लेंगे लेफ्ट से एंड राइट से एक्सहेल, ये एक साइकिल होगी। आपको तकरीबन 10-12 साइकिल एक साथ करनी होती है, कहीं भी आपको कोई भी चीज फील हो, समटाइम्स लोगों को डिजीनेस फील होने शुरू हो जाती है, उनको लगता है कि उनका सर डिजी कुछ फील हो रहा है मुझे, वहां आपने फौरन से नॉर्मल सांस लेना शुरू कर देनी है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, कई दफा हमें आदत नहीं होती यू नो इस तरह ब्रीथ करने की, तो वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, लेकिन नथिंग टू वरी। अब एक चीज होगी जो हम जिस तरह बता रहे थे कि स्ट्रेच, एक जो होती है मुझे अभी आवाज पड़ेगी, मुझे बताए कि ये बिगिनर्स के लिए मुश्किल है, थोड़ा सा आपने कोशिश किया, अब साथ अगर आप सिर्फ हाथ पीछे ज्वाइन कर सकते हो वो भी ठीक है, अगर लॉक कर सकते हो लॉक किया। अब आपने यहाँ ऊपर देखा, एक इसका एडवांटेज है कि आपकी डबल चिन भी टारगेट होती है और आपका जो हार्ट रीजन है ये ओपन अप होता है। इनहेल एंड एक्सहेल, और सबसे आसान चीज जो जब भी आप सुबह उठते हैं तो खुद को एक्टिवेट, जिसे कहते हैं हमारे जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करें, क्योंकि इतनी देर से हम रेस्टिंग मोड पर होते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, 1-2 मिनट आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को नोट करना है, यानी कि जो उसका रेपो है या जो उसकी क्या कहना चाहिए कि जो एक मोमेंटम है, आप सिर्फ उसको नोट करो कि वो क्या चल रहा है। ठीक हो गया सलाफे, मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा, मुझे कॉलर लेनी है, मायरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मायरा, क्या पूछना चाहेंगी? ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बैक पेन जो होती है उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं? बैक पेन एक्सरसाइज ऐसी कौन सी है जिससे बैक पेन खत्म हो सकती है? ठीक हो गया। किस किस्म की इनको पेन है, किस तरह की पेन है आपको? कमर में दर्द है और इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें कौन सी एक्सरसाइज? उसमें कोई शियाटिका या ऐसी कोई और चीज इन्वॉल्व तो नहीं है?
नहीं, इस तरह की नहीं है कोई इन्वॉल्व। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मायरा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने। बैक की पेन के लिए सबसे ज्यादा जो उसमें होता है कि आपको स्पाइनल ट्विस्ट, तो एक हम बता रहे थे स्पाइनल ट्विस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर आ सकते हो, इट्स वेरी इजी राइट। अब आप कहते हो कि मुझे बैक में पेन है और मेरे लिए झुकना मुश्किल है, तो आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपनी बॉडी को रेडी करना होगा। आपने क्या किया कि यहाँ पर जितना आप लेग्स को वाइड करना चाहते हो अपने उतना किया, और सिर्फ पहले रोटेट करने के बाद, इसलिए कि आपको जब चूंकि साइड पर जाना है तो वो पेन ना शुरू हो बल्कि ठीक हो। अब यहाँ हाथ रखा, यहाँ हाथ रखते पहली मूवमेंट ये होगी कि आप जितना इजीली नीचे जा सकेंगे गए, वापस आए, वापस आने के बाद थोड़ा सा इस साइड पे, ऑलराइट, दोनों साइड आपने सेम इसी तरह की। उसके बाद जो तीसरी पोजीशन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल अच्छा बिगिनर हैं तो बिगिनर जरा थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ज्यादा नहीं, बट इससे आगे आपको यहां जाना होगा और यहां जाने के बाद ये, और एक चीज होती है कि जो साथ ही साथ आपका बेली फैट टारगेट करे और आपके जो बैक पे जो आपको पेन है उसको ठीक करे। उसमें क्या होता है, एक तो हम बो पोज करते हैं, एक तो होता है उसमें कि हम फुल अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, इसमें हम लिफ्ट नहीं करेंगे, यहां सिर्फ आपको इस चीज को रखना होगा। अगर लिफ्ट करना होता है तो वो ये होगा, लेकिन शुरू में आप सिर्फ और सिर्फ इसको यहां प्रैक्टिस करें, अदरवाइज सबसे आसान इस टाइम पर हल्का सी आर्च होगी, ठीक हो गया। असल आपके कॉलर लेने, मुझे अनीस है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे अनीस साहब जी? मैं आपको लैंडलाइन से करता हूँ जी। चलें ठीक है, आप लैंडलाइन से कॉल कर लें। और फिर जनाब अभी कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है, अमायरा ने सवाल किया था कि उनकी जो बैक पेन है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, सलाफे क्या मैसेज देंगी आज के टॉपिक पे? खुशी के हवाले से यही कहना चाहते हैं कि खुशी आपको हमेशा मिलती नहीं है, आपको क्रिएट करनी पड़ती है, समटाइम्स ऐसा होता है, तो जिंदगी है उसे गुजारना नहीं, उसे भरपूर जीना है, तो जिंदगी जिए और दूसरों को जीने दें। ठीक, जबरदस्त सलाफे ने जनाब आपको इतनी जबरदस्त योगा के हवाले से टिप्स भी बता दी है और साथ साथ हमने कॉलर्स की भी जवाब को कैचर करने की कोशिश की है। सलाफे एक आखिरी आसन जो आप हमें वेट रिडक्शन के लिए ओवरऑल बता दें, कोई प्रेशर पॉइंट या वेट रिडक्शन? प्रेशर पॉइंट तो जो हम वेट रिडक्शन का पहले बताते होते थे वो रिंग फिंगर है। एक चीज, अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता तो आपने क्या करना है, इनहेल, यहां स्ट्रेच किया एंड एक्सहेल। बिगिनर्स होंगे, हील्स नहीं उठाएंगे, उसके बाद आप हील उठाओगे। इसको 30 टाइम्स आप रेगुलरली इसको करना है, तो इससे आपका वेट रिड्यूस, आपकी बॉडी पूरी टारगेट होगी और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इस चीज को फील करें, जब आप स्ट्रेच आउट करते हो तो इस चीज को फील करो, रिड्यूस होने शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सलाफे, बहुत जबरदस्त टिप्स बताए जनाब सलाफे ने आपको वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के हवाले से। और आज खुशी का आलमी दिन है, तो मैंने आपको सुबह सुबह टास्क दिया था कि आपने आज पूरा दिन खुश रहना है, बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दूसरों को भी खुश रखना है, खुद भी हैप्पी पूरा दिन गुजारना है। वैसे पूरा दिन क्या आंदा, आने वाले कई दिन आप ऐसे गुजारे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है, कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।